हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं लिनक्स इंस्टॉलेशन। बट सबसे पहले इंस्टॉलेशन के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लिनक्स है क्या। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1990 में लिनस टोरवाल्ड के थ्रू डेवलप किया गया था, ठीक है। बट ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका जो सोर्स कोड है फ्रीली अवेलेबल है। तो काफ़ी कंपनियां आई, उन्होंने सोर्स कोड को डाउनलोड किया और मॉडिफिकेशन करके अपना नया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसमें से कुछ कंपनियां हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे रेड हैट लिनक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, जेबॉस है, मिंट है, ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसका तो एक कंप्लीट एक कोर्स भी है। वैसे मैं एक क्लासरूम ट्रेनिंग कोर्स लेता हूँ RSE रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का, उसके अंडर में मैं कंप्लीट लिनक्स के बारे में कवर करवा कर देता हूँ, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उबंटू लिनक्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा हम लोग ब्राउजर पर जाकर चेक करते हैं लिनक्स क्या है। What is Linux? आप टाइप करके आप देख सकते हैं गूगल पे, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए क्या है, Linux is a open source family operating system, ठीक है, like a Unix operating system। कब ये बना था, 1990 to 1991 के बीच में, ठीक है। बट यहाँ 1991 मेंशन किया हुआ, किसने बनाया था, लिनस टोरवाल्ड ने। तो लिनस टोरवाल्ड ने बनाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, लिनक्स नाम रखा हुआ है, ठीक है। बट ये ओपन सोर्स होने के कारण इसके काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ओके। अब इसको अगर मैं आपको बताने के लिए जाऊं तो कंप्लीट मुझे 2 से 3 महीने लग जाएंगे, इतना कुछ मैं आपको बता सकता हूं लिनक्स के बारे में, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं उबंटू के बारे में, उबंटू लिनक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उबंटू लिनक्स का इंस्टॉलेशन। तो ये जो इंस्टॉलेशन है मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं VMware पे बता रहा हूँ, VMware एप्लीकेशन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ना कि फिजिकल, ठीक है। फिजिकल अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है तो एक तो आप पेनड्राइव के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप CD/DVD से कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास में तो ISO इमेज इसकी है, बट आप चाहते हो आपको इंस्टॉलेशन करना है, आपके पास ISO इमेज नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, गूगल में आप टाइप कर लीजिए Ubuntu ISO 5, ठीक है। ये ऐसे एक लिंक ओपन हो जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड Ubuntu, इस पर आपको जाना है। यहाँ काफ़ी सारे वर्जन है Ubuntu के, ये देखिए Ubuntu के वर्जन दिख रहे हैं, 18.4 है, 19.10 है, ये ऐसे वर्जन है, ठीक है। आपको जो वर्जन चाहिए आप सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पर है मेरे पास, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये Ubuntu 17, ठीक है। कोई भी रहे, सबका जो स्टेप जो होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले VMware हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ जाकर आपको ब्राउज कर देना है, ठीक है। और ये जो Ubuntu था इसको आपको यहाँ जाकर इसका पाथ दे देना है, तो मैंने पाथ दे दिया, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये फुल नेम आपको जो भी नेम देना होगा दे सकते हैं, मैं PSK Tech ये नेम देना चाह रहा हूँ। और यहाँ यूज़र कौन सा बनाना चाहते हैं आप, उसका नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ यूज़र बनाना चाहता हूँ Ubuntu, ये मेरा यूज़र नेम है। और पासवर्ड मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो पासवर्ड आप असाइन यहाँ पर कर सकते हैं, ये हो गया, नेक्स्ट, ठीक है। ये पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पर स्टोर करना है, सिंपली आपको इसको नेक्स्ट करना है। स्पेस कितनी लेनी है आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, तो मुझे 30 GB लेनी है, मैं 30 GB स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट एंड फिनिश। तो VMware है, तो VMware पे देखिए एक वर्चुअल मशीन बन गई है, ये दिख रहा है आपको, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, DVD राइटर,
ये सब वर्चुअली बन गया है। ठीक है, अब मैं करता पावर ऑन धिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, पावर ऑन धिस वर्चुअल मशीन, जैसे क्लिक किया ये बूट प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये देखिए बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बट आप ध्यान में रखिए, ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे VMware के थ्रू कर रहे हैं। एक वर्चुअल मशीन मैंने फिजिकल लैपटॉप के ऊपर में क्रिएट किया हुआ है, उसके थ्रू हो रहा है। बट जैसे आप फिजिकली इंस्टॉल करेंगे, मतलब डायरेक्टली आप आपके फिजिकल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक तो आप CD लेंगे या DVD। ठीक है, बट इंसर्ट करेंगे आपको जाना पड़ेगा BIOS के अंदर में, और BIOS के अंदर जाकर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जल्दी मैं उसका भी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जस्ट फॉर आइडिया के लिए मैंने आपको ये एक वीडियो बनाया है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इस तरीके का विंडो आएगा और ये चलेगा अभी ऐसे। ठीक है, थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, तब तक 10 मिनट के अंदर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाइल्स हैं ये कॉपी हो रही हैं, जो हमारा सिस्टम है वहाँ से फाइल कॉपी हो रही है, जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया था उसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम विंडोज़ से कंपेयर करते हैं इसको, तो विंडोज़ कैसा है, एक रजिस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे राइट्स माइक्रोसॉफ्ट के पास में है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से उसको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, रही बात घर की, तो घर में आप पायरेटेड आप यूज़ कर रहे हो, बट पायरेटेड में आपको पूरे फीचर्स नहीं मिलते, बट कंपनीज में परचेस करना ही पड़ता है। तो विंडोज़ अगर मैं 10 की बात करता हूँ अभी, तो 14,400 रुपीज़ का विंडोज़ 10 OS है। बट Ubuntu या कोई अदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये टोटली आपको फ्री मिलता है। ठीक है, हाँ फ्री मतलब इसका कोई लाइसेंस नहीं होगा। हाँ, बट अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले, तो फिर उसके लिए आपको अलग से सपोर्ट का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको सपोर्ट नहीं चाहिए तो आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर विंडोज़ में वैसा नहीं है। विंडोज़ ये 30 डेज के लिए चलता है, और कुछ विंडोज़ 10 में तो 6 मंथ का समय दिया हुआ है, उसके बाद में एक्सपायर होता है। अगर आप इलीगली यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट को मतलब उनकी नज़र में आ गए, तो फिर वो क्लेम करते हैं और वो सब कुछ हमको पे कर देना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत की बात है, कंपनी में हजारों लैपटॉप्स या डेस्कटॉप लगे रहते हैं। अभी इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लीगल अगर परचेस करना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। तो इसी के लिए Ubuntu ए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो Ubuntu में सारे फीचर्स हैं जो हम लोग जनरली विंडोज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे विंडोज़ में MS ऑफिस है, तो यहाँ पर ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस होगा। वहाँ पर भी जैसे VLC प्लेयर है, तो इसका भी VLC प्लेयर है। वहाँ एडोब रीडर है, तो यहाँ पर भी आपको एडोब रीडर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सारे फीचर्स लगभग वैसे ही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हो कि इसको कम्प्लीटली आपको पढ़ना है और इसमें आपको मास्टरी करनी है, तो मेरा एक पूरा कम्प्लीट कोर्स है 3 मंथ का, जिसमें मैं रेड हैट लिनक्स, Ubuntu और CentOS ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। मतलब RSC रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का वो कोर्स है, कंप्लीट लिनक्स का कोर्स है। वो करने से आप लिनक्स इंजीनियर या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी डिमांड है। आज अगर करंट की बात करेंगे तो 80% के ऊपर में जो वेब सर्वर्स है वो सब लिनक्स बेस ही चल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा गूगल करके भी आप देख सकते हैं। इवन जो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका कर्नल भी लिनक्स ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ बट समय लगता है, बट जस्ट ये इंस्टॉलेशन का ही टॉपिक है, तो इसमें मैं सब कुछ तो मैं आपको नहीं बता सकता और शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लगभग अभी ये कंप्लीट होने में आया हुआ है, थोड़ा और 5 मिनट के अंदर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा।
मेन बात तो ऐसा है कि वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, क्यों? क्योंकि ये ईएक्सई को सपोर्ट नहीं करता, और मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो बने हुए हैं वो सब ईएक्सई बेस वायरसेस है। हाँ, लिनक्स में भी वायरसेस है, बट नहीं के बराबर। मतलब विंडोज का जो वायरस है, लिनक्स पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, अभी ये लगभग एंड हो रहा है। अभी अपना कंप्यूटर एक बार रिबूट होगा, तो कंप्यूटर रिबूट हो चुका है। रिबूट प्रोसेस चल रहा है। देखिए, बूट प्रोसेस पूरा होने के बाद में ये देखिए विंडो आ गया हमारे सामने, दिख रहा है। यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा है पीएसके टेक, ठीक है। और आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना, जो भी आपने दिया था वाइल इंस्टॉलेशन, ठीक है। थोड़ी बात अलग है इसमें, बट अगर आप फिजिकली आप चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छी और स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। बट हाँ, एक और एक ऐसा एक मैसेज है कि जैसे आप अगर इसको फिजिकली करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए आपका जो डेटा है, आपने उसका बैकअप लिया है क्या, नहीं तो आपका एंटायर डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बैकअप लीजिए, फिर इसमें और एक ऑप्शन है, हम डुअल बूटिंग भी कर सकते हैं, मतलब विंडोज को भी रख सकते हैं और ये उबंटू को भी हम रख सकते हैं। बट उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा डुअल बूटिंग का, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी जैसे इंस्टॉलेशन हुआ, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये है मोजिला फायरफॉक्स, जैसे हमारा विंडोज में भी होता है, आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना माय कंप्यूटर नहीं दिखेगा आपको, माय कंप्यूटर या धीस पीसी का जो ऑप्शन होता है विंडोज में, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। उसके जगह पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ड्राइव, एक हार्ड डिस्क का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये मोजिला फायरफॉक्स था, ये ओपन हुआ, मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है ये फाइल्स करके, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ये ड्राइव दिखेंगे। देखिए, लिनक्स का प्रिंसिपल ये है कि यहाँ सब कुछ फाइल एंड फोल्डर के फॉर्मेट में ही बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, सब फोल्डर फोल्डर फोल्डर, सब फोल्डर आपको यही दिख रहा है। देखिए, कंप्यूटर में जाएंगे, ये दिख रहा है सब कुछ फोल्डर के फॉर्मेट में दिख रहा है, फोल्डर एंड फाइल। जैसे विंडोज में हमको सी डी ई एफ ऐसा सी टू जेड ड्राइव दिखते हैं, वो ड्राइव यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और इसमें जैसे ऑफिस दिया हुआ है, आप यहाँ जाकर आप इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, इनबिल्ड एप्लीकेशंस हैं। ये देखिए, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसमें से मैं लिब्रे ऑफिस से ओपन करता हूँ, जैसे हमारा एमएस ऑफिस होता है विंडोज़ में, वैसा यहाँ पर ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और एक बात, जैसे विंडोज़ के लिए आप परचेस करना चाहते हैं तो करीब एंटरप्राइज अगर आप एमएस ऑफिस परचेस करते हैं तो 50,000 का है, ठीक है। बट आप लोग यूज़ करते हैं पायरेटेड, बट अगर हाँ कंपनी में अगर आप यूज़ करते हैं तो अगेन माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए क्लेम करेगा। तो बिल्कुल सिमिलर टू एमएस ऑफिस ही है ये, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन तो मैंने आपको बता दिया, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे हमें इससे भी डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आपको कंप्लीट लिनक्स का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। करीब करीब 3 मंथ का कोर्स होता है, डेली में 2 to 3 hours आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और गारंटी है कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, चाहे उबंटू हो, चाहे रेड हैट ओएस हो, चाहे सेंट ओएस हो, चाहे मिंट हो, मेरा तो कहना है दुनिया के कोई भी लिनक्स हो उसको आप ऑपरेट करना सीख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में अब देखिए कि अगर आप प्रोग्रामर हो और आप इसमें सी सी प्लस प्लस जावा या पीएचपी या फिर पाइथन ये सबको आप रन करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें इजीली रन कर सकते हो, ठीक है। जल्दी उसकी भी वीडियो बन जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.